ओके सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, 3 घंटे में मोर देन 30,000 व्यूज ऑन योर सॉन्ग। काफ़ी अमेजिंग गाना है, काफ़ी लिरिक्स तो काफ़ी, जिस तरह आप लोगों ने गाना गाया है और हमारे कलाकार जिस तरह से करते हैं, कोई भी काम हो, अबाउट कृष्णा, डाकी, जितने भी किरदार आप करते हो। और इस बार तो पेंटिंग, शुरुआती पेंट ब्रश मुंह में था, तो आप लोग से जानना चाहूँगा, पहले तो जिसको भी ये सवाल पिक करना हो, किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं इन इस 3 घंटों में? रिस्पॉन्स हैज बीन रियली नाइस, बहुत अच्छा. एक्चुअली कल रात को ऑडियो रिलीज हो गया था, सो हमें भी थोड़ा टाइम बाद ही पता चला था, बट पीपल स्टार्टेड टेक्सटिंग अस बिफोर दैट दैट यू नो द ऑडियो इज आउट एंड इट्स रियली नाइस. एक्चुअली ये गाना बनने से पहले ही सुमित भाई के जो भी फैंस हैं वो सब मुझे मैसेज करते थे कि प्लीज़ आप अपने कोई एक गाने में उनको ज़रूर लीजिए, ऐसा ऐसा. तो वो बहुत सारे मैसेज मेरे को आ रहे थे. तो फिर उसके बाद जब पता चला कि यार हम जो गाना कर रहे हैं उसमें ये बहुत फिट बैठते हैं, उसमें वो जिस टाइप का फील है उस गाने का, एकदम काम, एकदम एक सुंदर सा सॉन्ग जो है वो सिर्फ इनके ऊपर ही बैठ सकता था. तो ये गाना जो इनको देख के ही बनाया गया है, ये समझ लो. थैंक यू. एंड सुमित, फर्स्टली बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. नाउ यू आर 26. ग्रेट फैन फॉलोइंग, योर सॉन्ग इज आउट, काफ़ी अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है गाने के. मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन, काफ़ी अमेजिंग कमेंट्स आए हैं, पर मैं आपसे जानना चाहूँगा इस 3 घंटों में किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले सोशल मीडिया से पहले, क्या कहना चाहोगे? आई थिंक सर, जब रिलीज हुआ तब मैं एक्चुअली आज सुबह 6 बजे मैं सोया, मैं ट्रैवल करके आज मुंबई पहुंचा, तो मैं जस्ट उठा था जब रिलीज हुआ, तो मुझे सडनली दोस्त का फ़ोन आया था कि अरे अच्छा लग रहा है, मम्मी का फ़ोन आया, अच्छा लग रहा है. एंड सबको केमिस्ट्री अच्छी लगी, और क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था. गाना तो सब कुछ हो ही रहा था, विजुअल्स भी काफ़ी प्यारे हैं, सेटअप भी काफ़ी प्यारा है, तो सबको अच्छा लग रहा था. अभी उसके बाद पिछले 3 घंटे में फ़ोन तो चेक ही नहीं कर लिया, अभी देखूँगा. कोई ऐसी बात जो आप लोगों को काफ़ी इजी लगी हो, जैसे कलाकार कुछ एक्ट करते हैं उसके पीछे वॉइस देना काम आपका होता है, बट इस तरह के कलाकार जब काम करते तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती है, और लिरिक्स आसान हो जाते, और वो लिरिक्स इतने आसान हो जाते हैं जब बैठते हैं वो लिरिक्स, और जब एक्ट करते काफ़ी इजी हो जाती. कुछ ऐसी वाक्य अगर आप सुमित जी के बारे में बताना चाहोगे, या फिर उनके कोस्टार सुमित जी के बारे में, तो आप ही बता पाओगे क्योंकि आपने उस वॉइस दिया है, एंड उनके कोस्टार के बारे में आप ही, रिया जी के बारे में आप ही बता पाओगे? जब ये गाना शूट हो रहा था तो मैं वहीं था. यस. हमने पहले इनको तो सोचा था कि हाँ ये उसमें दिखेंगे, कैसा क्या होगा ये नहीं पता था कि दिखेंगे कैसे, लेकिन हाँ ये उसमें है और वो सब बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन जब वो गाना शूट हो रहा था और सारी लिरिक्स, जब वो जो चीज़ें लिरिक्स जो कह रही है और वो सब सामने दिख रहा था, तो बड़ा सुंदर लग रहा था उसमें भाई, बड़ा बहुत ही इतने ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि मतलब मैं क्या बताऊँ. ये गाना ऑटोमेटिकली और बहुत ही अच्छा हो गया. जितना सूदिंग है ये गाना, वैसा ही वो सोबर जो इनका लुक है वो सब बहुत अच्छा मैच कर रहा है, बहुत ही बढ़िया. और रिया भी बहुत ही सुंदर लग रही है उसमें, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, तो गाना वैसे ही बहुत मैच कर रहा है लिरिक्स और इनके साथ. आप क्या कहना चाहोगे? रिया इज अ ग्रेट ह्यूमन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो मैं को थोड़े टाइम पहले ही पता चला कि दे आल्सो मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सेट. सो जब मुझे ये पता चला तो आई वाज लाइक नाउ आई एम अ बिट स्टार्टल्ड कि इतना अच्छा केमिस्ट्री कैसे पुल ऑफ किया इन्होंने वीडियो में, बिकॉज बहुत इट फेल्ट लाइक यू नो दे आर अ कपल इन रियल लाइफ. सो इट डिड इन द वीडियो, बिकॉज आई वाज देयर ऑन द सेट, सो आई वाज सीइंग इट, और इट वाज सरियल टू मीट हर आल्सो बिकॉज शी इज सच अ ब्यूटीफुल सोल, एंड शी सैट विद मी फॉर अ फ्यू टाइम, थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं. शी इज वेरी सिंपल, वेरी हम्बल. सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैंने ये सवाल पहले भी आपसे एक बार पूछा था कि हाउ डू यू मैनेज दिस, हाउ डू यू बैलेंस दिस थिंग्स. डाकी का किरदार मैंने अच्छे से देखा है, श्री कृष्णा का किरदार अच्छे से देखा है मैंने, एंड इस गाने में जिस तरह से पेंट ब्रश था आपके फेस, मतलब मुंह में, और पूरे गाने में जिस तरह से आपकी आईज जो बोलती है, काफी अमेजिंग बोलती है, आपकी आंख बातें करती है पहले, तो हाउ डू यू मैनेज, किस तरह से आप रोल, क्या कुछ प्रिपरेशन करते हो? नहीं, आई थिंक सो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माय पीपल, जो मेरे अपने हैं जिंदगी में.
मैं डिस्ट्रैक्ट मैं कभी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट खुद को होने नहीं देता और वो भी मुझे कभी होने नहीं देता. yes. तो मैं पूरे दिल से काम कर पाता हूँ, बस यही एक रीज़न है. और साथ में ये लोगों की ब्लेसिंग्स और प्यार होता है ना, तो आप कर पाते हो. बिसाइड्स ये गाने की बात की जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही था, क्योंकि कोई स्टोरी एग्जैक्टली ऐसी है नहीं, विजुअल्स है. yes. और उसमें सिर्फ केमिस्ट्री दिखने वाली है, सिर्फ प्यार दिखने वाला है. और मैं पहली बार ही उसको मिला, वो भी पहली बार मुझे वहाँ पे मिली, और हमने सोचा कि कैसे करें. yes. तो आज केमिस्ट्री के लिए लोग तारीफ कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो गया. तो अच्छा लग रहा है लेकिन दैट हैपेंड बिकॉज दो एक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री जब भी बनती है तो इसलिए बनती है क्योंकि वो प्रोफेशनली यू नो फिट बैठते हैं. yes. समझते हैं कि सामने वाला क्या काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. सामने वाला कभी गलत करता है तो हम बताते हैं, वो स्पोर्टिंगली लेते हैं, वाइस वर्सा. तो वो रिया के साथ बहुत अच्छा था. उसने भी मुझे बताया कि जहाँ पे मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा हूँ, कि मैं हो रहा था मुझे, क्योंकि नहीं है यार मैं इतना आसानी से रोमांटिक नहीं बन सकता था, मुझे आदत, मेरे लिए वो चीज़ डिफिकल्ट एज एन एक्टर. तो वो कोशिश हमने की और रिया आई थिंक सो इज वेरी सपोर्टिव. उसी दिन मेरी उससे बात हुई, उसी दिन हम मिले, उसके बाद आज जाके हमारी बात हुई कि कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह इतना. yes. तो बट वो काम कर पाना थोड़ा आसान इसलिए था क्योंकि कंफर्टेबल फील किया मैंने उसके साथ और शायद उसने भी किया ही होगा. बट एज एन एक्टर क्या डिफिकल्ट, एज एन सिंगर ऑल्सो एज एन एक्टर ऑल्सो कि डिफिकल्ट हो जाता है. जब भी इंडिपेंडेंट गाने आते हैं तो एक स्टोरी होती है, 5 मिनट का जो गाना रहता है उस पर पूरी स्टोरी होती है. बट इस गाने में खाली फीलिंग थी. तो एज एन एक्टर एज एन सिंगर क्या डिफिकल्ट फेस हुआ, कुछ ऐसी बातें अगर बताना चाहो. क्या होता है कि आप को ना ये इसका जो रिजल्ट आता है वो तब आता है जब आप वो पोर्ट्रे कर पाते हो जो रिक्वायर्ड है. और रिक्वायर्ड ये था कि आप सामने वाले से बहुत प्यार करते हो, और जब किसी से बहुत प्यार करते हो ना तो आपकी आंखों में दिख जाता है. yes. और आंखों में तब दिखता है जब यहाँ पे फील करते हो. yes. और उसके लिए जिंदगी में कभी प्यार होना चाहिए. तो प्यार जब होता है तो एज एन एक्टर आपको सब रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है दिल में कि मुझे जो प्यार हुआ था तो मैं उसको ऐसे दिखता था. तो वो सब चीज़ें एनैक्ट करना, फील करना, एंड बहुत एक ही दिन में हमने पूरा शूट किया था राइट. और थोड़ा डिफिकल्ट था कि हम वो चीज़ ला पाते, क्योंकि आप नए किसी इंसान से मिलते हो तो आप थोड़े कॉन्शियस होते हो, वो थोड़े कॉन्शियस होते हैं. बट ये भी थे और मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिले इनसे. तो वेरी हैप्पी and I was so happy looking at them कि अरे इनको इतना अच्छा लग रहा है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने खुश हैं और इतना अच्छा इन्होंने गाया है, मुझे अच्छा लगा. मुझे काफ़ी टाइम पहले से बी लाइव से चल रही थी बात करेंगे करेंगे करेंगे, बट दिस वॉज द सॉन्ग जो ऐसा ना छो गया. यही सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि डिफ़िकल्ट हो जाता है जब भी इंडिपेंडेंट गाने में अगर कोई स्टोरी ना हो या फिर सिर्फ फीलिंग हो, एज अ सिंगर जब यह आता है, क्योंकि जब स्टोरी में हम गाना गाते हैं एक अलग ही वाइब्स आती है, पर उसी फीलिंग्स पे वाइब्स लाना कितना डिफिकल्ट हो जाता है एज अ सिंगर. डिफिकल्ट तो इस गाने के हिसाब से देखा जाए तो गाना एक्चुअली मैंने कंपोज किया है, कुणाल और मैंने इसको कंपोज किया है. तो जब ये गाना बन रहा था महेश भैया के घर पे ही, सारे जो है पीसफुल उनकी एक प्लेस है, वहाँ पे बैठ के हम गाने कंपोज करते, तो वही ये गाना बन रहा था. उन्होंने मुझे सुनाया कि इस टाइप का एक गाना है यार, ये हुक लाइन है इसकी और इसको बहुत ही फील से, जैसे इसका जो फील है ना वो बरकरार रहना चाहिए लेकिन कॉम्पोजिशन थोड़ी अलग. yes. तो जब कंपोज कर रहे थे तभी हम उसके फील को पहचान लेते हैं कि ये किस टाइप से जा रहा है और किस टाइप का फील इसमें होना चाहिए, कैसा वॉइस में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे ये जो हम चाह रहे हैं जैसा बनाना वैसा दिखे या सुनाई दे. तो वो डिफिकल्ट तो होता है लेकिन जब आप कंपोज कर रहे होते हो, जब एक सिंगर खुद जब कंपोज करता है तो उसको पता होता है कि इसका फील क्या. yes. होता है, इसका फील कैसा होना चाहिए. वैसे ही शंभवी साथ में थी तो हम बैठ के हारमोनियम पे प्रैक्टिस कर रहे थे उस गाने को और वहीं पे सब फील जो है पता चल गया. और शेखर जी जो है लिरिसिस्ट जो है इस गाने के, शेखर अस्तित्व जी, वो भी वहीं थे. yes. तो ये गाना ना इतना वो बताते जा रहे कि हाँ इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें वो लिख रहे हैं लिरिक्स आ रही है और हम उसको कंपोज कर रहे हैं. yes. ऐसा हो गया था गाना और बहुत उसमें फील, एक्चुअली जो लिरिक्स बोल रही थी वही कंपोजिशन हो रहा था. तो बहुत ही सुंदर सा एक बन के आया और अच्छा लगा गाना गाने में. बहुत फील महसूस हो रहा था कि चल हम जो बनाए हैं वही फील हम गा पा रहे हैं उसको.
एक आखिरी सवाल सुमित जी आपसे पूछना चाहूंगा, और उसके बाद आप दोनों के आवाज से दो दो लाइनें सुनना चाहूंगा। सुमित जी, 2018 में एक शो आया था एंड 2022 चल रहा है, हाल ही में आपका बर्थडे भी गया, उसके बीच में एक ऐसी सीरीज आई थी एस्केप लाइफ, हाँ जी, हाँ जी। कृष्णा भगवान का किरदार हो या फिर डाकी का किरदार, और इस गाने में जिस तरह का प्यार मिलता है लोगों की तरफ से एंड जो वन लाइनर्स है, आज भी यूट्यूब हो गया या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, इतना प्यार मिलता है, कितना ब्लेस फील कर पाते हो? मैं बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ, और एक एक इंसान की फितरत होती है ना कि जितना मिले कम लगता है। यस, वो फितरत से मैं हमेशा फाइट करता हूँ, क्योंकि कई बार ना जिंदगी में आप जितना सोचते हो उससे कई ज़्यादा आपको भगवान दे चुके हैं, वो प्यार दे चुके हैं, लोगों से मिलता है, ओवरवेल्म हो जाता हूँ कई बार मैं, और अच्छा लगता है, बट कई बार ग्रैटिट्यूड भी फील करना बहुत ज़रूरी है। मैं यस कोशिश करता हूँ हमेशा, और कभी सोच के नहीं आया था मैंने कि कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि यहाँ पहुँचूंगा, ऐसा म्यूजिक वीडियो करूँगा, लोग खुश होंगे कि यू नो सुमित को हम इस म्यूजिक वीडियो में लेंगे, ऐसा कोई सोचेगा नहीं। नेवर नेवर थॉट अबाउट दिस। आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू डू माई बिट। मुझे नहीं पता आगे क्या कैसा है लाइफ में, यू नो वी डोंट नो क्या यस है जिंदगी में आगे, बट देन आई जस्ट वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट एंड डू माई बेस्ट। लाइक आई एम सो ग्लैड कि अपॉर्चुनिटी एस्केप लाइफ के रूप में मेरे लाइफ में आई, एंड मैंने अपनी साइड से 100% दिया उसके लिए। आगे भी कोशिश करता रहूंगा, मैं आया ही हूँ काम करने के लिए यहाँ पे, तो करना चाहता हूँ दिल से जितना से। लास्टली दो लाइनें आपके आपके वॉइस में मैं सुनना चाहूंगा। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे तो अभी भाई बोले कि मैं जो बहुत टाइम तक चुप हो जाता हूँ, मुझे बहुत तेजी से गाना आता है, बहुत देर से गाना आता है यार, अच्छा हुआ अपने के बोल दिया। यस, और मैं मेरी ऑडियंस के लिए लाइव तो करने जा रहा हूँ। तू ही तो है मेरे रातों की सुबह, रहती है सीने में तू सांसों की तरह, हाँ तू ही है मेरे जीने की वजह, रहती है सीने में तू सांसों की तरह, रहती है सीने में तू सांसों की तरह। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन। तू ही तो है मेरे होठों की सुबह, रहता है सीने में तो सांसों की तरह, हाँ तू ही है मेरे दर्द की शिफा, रहता है सीने में तो सांसों की तरह। बहुत बढ़िया, मैजिक लिया। थैंक यू, थैंक क्या यू। करते हैं ऐसा आवाज क्या कर, मुझे थोड़ा बताओ। ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू।